हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं संतोष कुमार, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से। तो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में कि डेड फोन फाइंडिंग के 10 स्टेप्स हैं। अगर ये 10 स्टेप्स आप अच्छी तरह से समझ गए तो कोई भी फ़ोन को डायग्नोस करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये कौन सी ऐसी 10 स्टेप्स हैं, तो चलिए जानेंगे हम उसके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं एवरीवन कि हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग चलता है। आप अगर दूर हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, और अगर आप आने में सक्षम हैं तो पटना, बिहार पटना में हमारा सेंटर है बाकरगंज में, तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हमसे ले सकते हैं। कोई भी ट्रेनिंग लेंगे तो आपको मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आपको एडवांस ट्रेनिंग मिलने की गारंटी है। तो वो कौन से ऐसे 10 टिप्स हैं जो हमारे फ़ोन को डायग्नोस करने में काफ़ी हेल्प करता है, तो हम एकदम बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक समझाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे कंटिन्यूअस। सबसे पहले देखिए एवरीवन कि हमारे फ़ोन में जो मेन चीज़ है वो है बैटरी कनेक्टर। ठीक है, तो बैटरी कनेक्टर में हमारा कितना पॉइंट होता है? 4 पॉइंट, ये आपको मालूम है अच्छी तरह से। इन 4 पॉइंट में हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, आईडी होता है, थर्मल होता है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ की आप सॉर्टिंग चेक करें। अगर ये सॉर्टिंग्स नहीं है, ओके है, तो ये नेगेटिव हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, और यहाँ से ये पॉजिटिव एक रेजिस्टेंस लग करके और ये सबसे पहला एक आईसी में एंट्री करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, ये डीसी टू डीसी आईसी के स्थान पे आपको बीक्यू पीएमआई कुछ भी मिल सकता है, तो ये जो भी हो वो आईसी आपको देख लेनी है। ये आईसी में जब वोल्टेज आएगा तो ये आईसी यहीं से जनरेट करेगा आपका वीपीएच लाइन। क्या जनरेट करेगा? वीपीएच, और ये हो गया हमारा वीवैट। ओके, तो वीवैट एंड वीपीएच। तो सबसे पहला दो चीज़ यहीं आपको चेक कर लेनी है। एक तो वीवैट लाइन हमारा प्रॉपर होनी चाहिए, आईडी ओके होनी चाहिए, थर्मल ओके होनी चाहिए। इसका जीआर वैल्यू चेक कर लीजिए, 250 से 600 के बीच में इसकी जीआर वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर ये लाइन आपका ओके है, वीवैट की लाइन ओके है, उसके बाद आप आगे बढ़े डीसी टू डीसी आईसी के पास आएंगे, और इस आईसी के पास आने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका वीपीएच लाइन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ भी वीपीएच लाइन बनता है वहाँ पर आपको एक अवश्य क्वाइल देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम तह एक पैरलर डायोड देखने को मिलेगा वीपीएच लाइन के पास। यह इसका एक पहचान होता है इस सर्किट्स का। अगर यहाँ तक ये चीज़ सारी ओके हैं तो यहाँ से आपकी जो वोल्टेज है वीपीएच निकल करके चली जाती है आपका पावर आईसी में, जिसको कि हम लोग पीएम कहते हैं। पावर आईसी के स्थान पे भी विभिन्न प्रकार की आईसी लगी हुई रहती है। तो तीसरा स्टेप्स में हमें पावर आईसी को फोकस करनी है, और अगर पावर आईसी ओके होगी तो आपका ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज ये बना देगी। ये कहाँ पे बनाएगी? ऑन ऑफ बटन पे 1.8 के करीब आपका ऑन ऑफ की के लिए ये वोल्टेज जनरेट करेगा। अगर यहाँ तक आपका स्टेप्स ओके जा रहा है तो उसके बाद फिर आप चेक करेंगे इसका बक वोल्टेज। बक वोल्टेज हमारे सीपीयू के लिए बनाया जाता है। इनमें से कुछ वोल्टेजेस हमारा पुनः आता है 2.2 वोल्ट के करीब में, इसको हम लोग कहते हैं हाई एलडीओ। ठीक है, हाई एलडीओ, और एक हमारा होता है लो एलडीओ। ये दो वोल्टेजेस पहले बनेगी आपके बक पे, बाकी ही बीच के वोल्टेजेस बनेंगे जैसे 0.70 0.80। तो आप यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये वोल्टेजेस अगर आपकी बन रही है तो आपके सीपीयू को सप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ ओके है तो यहाँ पे और ऐसे क्या क्या से चीज़ बनते हैं जो कि हमें चेक करनी है। ठीक है, तो मैं एक बार शुरू से बताता हूँ कि अगर ये सारे स्टेप्स आपकी क्लियर जा रही है तो आप पहले वीवैट फोकस कीजिए, वीपीएच फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना बक फोकस कीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से हमारा निकलता है वीरेग सप्लाई पावर से। इन सभी सप्लाई को वीरेग कहते हैं, वीरेग, वीडीडी, वीसीसी, इस टाइप से ये वोल्टेजेस बनती है, जिनमें हमारा वोल्टेजेस अलग अलग होता है, जैसे 2.8, 1.8, 1.2, इस टाइप्स के वोल्टेज बनते हैं जो कि सप्लाई हमारा ईएमएमसी के लिए आउटपुट
किया जाता है ये सारे वोल्टेजेस। ठीक है, ये सारे वोल्टेजेस ईएमएमसी के लिए आउटपुट किया जाता है। अगर ये वोल्टेजेस हमारे ईएमएमसी को भी मिल रहा है, इसके बाद और ऐसी कौन कौन सी लाइन है जो आपको फोकस करनी है? तो अब जो मैं लाइन बताने वाला हूँ एवरीवन, वो लाइन एक बिल्कुल एडवांस है, बहुत कम लोग इस लाइन को ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहला हम चेक करेंगे हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी है, ये बना के देता है आपके पीएम को सिस्टम ओके, ये बना के देता है सिस्टम ओके वोल्टेज। ठीक है, तो आपको सिस्टम ओके वोल्टेज चेक करनी है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ये वोल्टेजेस फॉलो करनी है क्योंकि वीपीएस तो सभी लोग चेक करते हैं। अगर ये सिस्टम ओके वोल्टेजेस आपके पीएमआईसी को मिल रहा है तो पीएमआईसी यहां से जनरेट करेगा पावर ऑन रिसेट लाइन। ठीक है, क्या जनरेट करेगा? पावर ऑन रिसेट लाइन, और ये यहां से पावर ऑन रिसेट लाइन ये निकल करके चला जाएगा आपका सीपीयू में। ये इसको दिया, यानी कि सोचिए जरा कि एआईसी ने आपके पावर को जगाया, पावर ने आपके सीपीयू को जगाया। अगर सीपीयू को पावर ऑन रिसेट लाइन मिलेगा तो फिर सीपीयू यहां से पीएस होल्ड एक्टिव करेगा। क्या करेगा? पीएस होल्ड, और ये पीएस होल्ड आपके पीएम को भी आएगा, और यही पीएस होल्ड आपके डीसी टू डीसी को भी आएगा। तो ये जो लाइन है कहलाता है पीएस होल्ड। ठीक है, तो अगर पीएस होल्ड अगर बन रहा है तो समझिए कि हमारा सीपीयू एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, और जब पीएस होल्ड भी हमारा जनरेट हो जाएगा, आप सिस्टम ओके चेक करोगे, पावर ऑन रिसेट लाइन चेक करोगे, उसके बाद पीएस होल्ड चेक करोगे, अगर ये सारी चीज़ें भी जनरेट हो रही है, फिर आपका ईएमएमसी को जगाने के लिए सीपीयू आउटपुट करता है एमएसएम रिसेट आउट। ठीक है, एमएसएम रिसेट आउट, एमएसएम रिसेट आउट वोल्टेज निकल करके आपके ईएमएमसी को मिलता है। अगर ईएमएमसी को भी एमएसएम रिसेट आउट की वोल्टेजेस मिल जाती है तो आपका ईएमएमसी भी एक्टिव होने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इतना चेक होने के बाद क्या हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, ये सारे सीक्वेंस है। इतना सीक्वेंस बनने के बाद फिर नेक्स्ट सीक्वेंस होता है कि आपके पावर आईसी के पास क्रिस्टल लगा होता है, आपके पावर आईसी के पास क्रिस्टल लगा होता है, तो इस क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चाहिए आपके सीपीयू को। ठीक है, तो इसके लिए सीपीयू आपके पावर आईसी को बीबी क्लॉक रिक्वेस्ट बीबी क्लॉक सेंड करेगा। ठीक है, जिसको कहते हैं बीबी क्लॉक रिक्वेस्ट की लाइन आएगी आपके पीएम के पास। ये लाइन जब इस पीएम के पास आएगी तो पीएम फिर आपके सीपीयू को बीबी क्लॉक बना करके भेजेगा। ठीक है, इस लाइन को कहते हैं बीबी क्लॉक। ठीक है, अब जब बीबी क्लॉक आपके सीपीयू को मिलेगा, इसमें हमारा 19.2 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके सीपीयू को चाहिए 32768 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं स्लिप क्लॉक। तो फिर यहां से एक स्लिप क्लॉक की लाइन निकल करके आपके सीपीयू को जाएगी। ये 32768 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको कहते हैं हम लोग स्लिप क्लॉक। ठीक है, इतना चीज अगर आपका ओके होगा तो एक चीज और आप चेक कर लीजिए, अपने ईएमएमसी का रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, रिफरेंस वोल्टेज ये 0.60 के करीब में आएगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि कितने चीज होते हैं, गिनती करके दिखाता हूं। वीबैट चीज, वीबैट आप चेक करोगे एक, वीपीएच चेक करोगे दो, बक चेक करोगे तीन, ऑन ऑफ बटन चेक करोगे चार, वोल्टेजेस। इतनी चीज बनने के बाद फिर आप
वीरेक वोल्टेज चेक करोगे 1.8 जो सप्लाई आपका ADL वगैरह पे आता है वो 1.8 चेक करोगे, 5 इसके बाद आप अपना सिस्टम ओके चेक करोगे, 6 सिस्टम ओके अगर ओके है उसके बाद फिर आप चेक करोगे पावर ऑन रिसेट लाइन, 7 नंबर उसके बाद आप चेक करोगे पावर ऑन रिसेट होने के बाद PS होल्ड, 8 नंबर PS होल्ड इसके बाद फिर आपको चेक करनी है PS होल्ड के बाद बीवी क्लॉक रिक्वेस्ट, 9 नंबर बीवी क्लॉक, 10 नंबर स्लीप क्लॉक, 11 नंबर रेफरेंस वोल्टेज, 12 नंबर। तो ये 10 स्टेप्स अगर आप समझ लेते हैं, 10 से 12 स्टेप्स हैं इसके, कि ये 10 से 12 स्टेप्स अगर आप मोबाइल में मिला लेते हैं और ये स्टेप्स अगर आप ढूंढ लेते हैं किसके द्वारा, स्कीमेटिक के द्वारा, तो कोई भी मोबाइल हो आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये जो है मैं टोटली एक फ़ोन की सिक्वेंस मैंने आपको बना करके दिखाया कि ये सिक्वेंस जैसे ही आप पावर की को प्रेस करते हैं, ऑन ऑफ की को प्रेस करते हैं, तो आपकी फोन ना ये सीक्वेंस में आना चालू हो जाता है। अब इसी में से कोई लाइन अगर कटी हुई है, सपोज दैट स्लीप क्लॉक कट गया या बेसमेंट कटा हुआ है या पीएस होल्ड कटा हुआ है, इस लाइन में क्या है सीरीज में रेजिस्टेंस वगैरह डली रहती है, अगर ये रेजिस्टेंस निकल गया या पानी में जाने के बाद शॉर्ट हो गया तो आपका हैंडसेट बूट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या हैंडसेट को सिर्फ हीट लगा देंगे आईसी पे या किसी भी आईसी पे, तो इससे 10 में से एकाध फोन तो ऑन हो जाएंगे किसी कारणवश, बट सभी फोन नहीं होंगे। तो हर फोन को चेक करने का यह एक सीक्वेंस होता है, ये 10 से 12 स्टेप्स हैं। अगर ये स्टेप्स स्कीमेटिक के द्वारा आप ढूंढ करके मिला लेते हैं तो किसी भी फोन को आप ऑन कर सकते हैं। तो एवरीवन आई होप आपको इस फोन की गहरी जानकारी में जरूर कुछ ना कुछ मजा आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लाता रहूं। थैंक यू एवरीवन।